Hey, how are you all? Hope you'll be fine. My name is Vimlesh and welcome to you all in Vigru's Special English Classes. Yes friends, aapka Vigru ki Special English Classes mein bahut bahut swagat evam abhinandan hai. As you know friends, in our previous videos we were discussing about affirmative sentences and negative sentences. And today I'm here to teach you all interrogative sentences. Okay, so today, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नवाचक वाक्यों की. तो प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं? मैं ये बताना चाहूंगा आपको. जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है या हम कहें कि जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो वहां पे हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं. यानी जब हमें किसी से कोई प्रश्न करने की आवश्यकता होती है या पूछने की आवश्यकता होती है तब हम प्रश्नवाचक वाक्यों का प्रयोग करते हैं. सो यू कैन सी द डेफिनेशन. व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. व्हेन वी नीड टू आस्क समवन अ क्वेश्चन वी यूज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. It ends with a mark of interrogation. It ends with a mark of interrogation. You can see the symbol of interrogation. So friends, interrogative sentences दो प्रकार के होते हैं. जो हमारे interrogative sentences होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. The first one is yes no questions and the second one is WH questions. So friends, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यस नो क्वेश्चन के बारे में. और जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस नो क्वेश्चन किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और हम लोग किस प्रकार से इससे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, इस बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आप सबके साथ. सो लेट्स वेट एंड आई एम गोइंग टू बिगिन the yes no questions. Wait. So friends, today we are going to discuss about the first part of interrogative sentence, that is yes no question. Yes no question क्या होता है friends? इसको yes no क्यों कहते हैं पहले तो आप ये जान लीजिए. इसको yes no इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम किसी से question करते हैं तो हमें answer जब yes और no में मिलता है वही होता है हमारा yes no question. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस नो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो जो इसकी आईडी होगी सेंटेंसेस की, आपको पता होगा शायद मैंने बताया था जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान होती है उसके अंत में आता है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो. ओके, तो सेंटेंस हम जो भी पढ़े डजंट मैटर, हम अफर्मेटिव पढ़ रहे हो, हम नेगेटिव पढ़ रहे हो, हम इंटरोगेटिव पढ़ रहे हो, कोई मैटर नहीं करता है. सबके अंत में आपको सेम चीजें मिलेंगी, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो. ओके, लेकिन नाउ द सेंटेंस विल स्टार्ट फ्रॉम क्या. माय मींस इज दैट अगर हम लोग यस नो क्वेश्चन की बात कर रहे हैं वो चाहे जिस टेंस का हो, सेंटेंस हमेशा क्या से ही स्टार्ट होगा. क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसके अंत में आएगा ता है, ती है, ते है, ता हूं या ते हो, और एट द एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. आप यहां पे देख सकते हैं ते हो, देन आई यूज मार्क ऑफ इंट्रोगेशन. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. देन डेफिनेट सी बात है कि हमें बहुत अच्छे से चीज समझ में आने वाली है आज. सो हमें ऐसा सेंटेंस फॉर्म करना है जिसकी स्टार्टिंग तो कैसे हो लेकिन सेंटेंस इन कहां पे होना चाहिए,
ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो, और इसके अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी आना जरूरी है, से क्वेश्चन मार्क भी आप कह सकते हो। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा यस नो अफर्मेटिव, यस नो अफर्मेटिव। एक सेंटेंस का और हम लोग ले सकते हैं, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो। यहां पे हमने यूज किया नहीं, सेंटेंस स्टार्ट हुआ हमारा क्या से, फिनिश किया हमने ते हो पे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जिसे आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हो उसका प्रयोग किया और यहां पे नहीं आया, तो इसका मतलब ये हमारा यस नो नेगेटिव हो गया। तो सिंपल शब्दों में कहा जा सकता है कि यस नो टाइप जो क्वेश्चन होता है उसके भी दो तरह के सेंटेंस बनते हैं, पहला यस नो अफर्मेटिव एंड दूसरा यस नो नेगेटिव। ओके, सो द स्ट्रक्चर इज सो सिंपल। वन थिंग मोर, इफ वी आर गोइंग टू इफ यू ट्रांसलेट यस नो क्वेश्चंस, तो हमें क्या करना होता है, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सबसे पहले रखा जाता है। आपने हेल्पिंग वर्ब देखा होगा नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डू और डस का प्रयोग कर रहे थे, वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, लेकिन अब हमें क्या करना है, उस डू और डस को हम लोग सेंटेंस में सबसे पहले प्रयोग करेंगे। मतलब जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, कोई भी टेंस पढ़ रहे हो और जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे। हमने डू डज इसलिए रखा क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, दैट इज द रीजन यहां पे हमने डू और डज का प्रयोग किया। डू डज के बाद आपको यहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, जो भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, डजंट मैटर। उसके बाद अगर सेंटेंस पे नॉट नहीं आया है तो नॉट का प्रयोग करना है, अदरवाइज हम लोग यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, किसी प्रकार का एस और एस का प्रयोग नहीं करना है। देन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट अदर्स का प्रयोग यहां पे किया जाता है। डू कहां लगता है, डस कहां लगता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया इसके बारे में कि जब हमारा सेंटेंस सिंगुलर होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग डस का प्रयोग करते हैं, यानी कि विद सिंगुलर हम लोग यहां पे डस का प्रयोग करते हैं एंड विद प्लूरल हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं हमारे सब्जेक्ट पर कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यहां पे मैंने देखा वे, और मैंने आपको बताया आई बी यू दे प्लूरल होता है और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। इसलिए अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो यहां पे पहले हम लोग लिखेंगे डू, सब्जेक्ट हमारा है वे, सो दे डू दे नहीं यहां पे नहीं है तो नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट फॉर्म हमारे यहां पे हमारे गो, ऑब्जेक्ट है हमारा स्कूल, डू दे गो टू स्कूल एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क। द सेकेंड सेंटेंस इज क्या तुम टीवी नहीं देखते हो, ये हो जाएगा यहां पर भी तुम आया, आई बी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल के साथ हमेशा लगता है डू, तो यहां में उसके डू क्यू। अब देखिए यहां पे नॉट आया है तो हम लोग नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, डू यू नॉट वॉच द टीवी।
सिंपली आप देख सकते हैं बहुत ही आसान होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस नो क्वेश्चन को फॉर्म करना। मैंने सेंटेंसेस लिए थे यहाँ पे, क्या वे स्कूल जाते हैं, अफर्मेटिव में था। दूसरा लिया हमने, क्या तुम टीवी नहीं देखते हो, ये हमारा नेगेटिव में था। हमने एक सिंपल से स्ट्रक्चर का प्रयोग किया, डू और डस, डू या डस में से कोई चीज लगानी है। आपको सिंपली पता है कि प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर के साथ डस का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, यहाँ पे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। ओके, आप इसको लिख भी सकते हैं चाहे तो। नाउ आई एम गोइंग टू रवि। अभी मैं आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट एग्जाम्पल लेके बताता हूं, वन मोर एग्जाम्पल। क्या मेरा गाना गाती है? मैंने एकदम इजी से एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको सिंपली समझ में आ जाए। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर अपनी नोटबुक पे लिख कर ट्रांसलेट कर सकते हैं, इजिली सारे के सारे सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाते हैं। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, और डेफिनेट सी बात है मैं आपके लिए उसका सोल्यूशन लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो क्या मीरा गाना गाती है? यहाँ पे सब्जेक्ट आया है मीरा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे डज, क्योंकि मीरा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो डज मीरा सिंग अ सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। सो ये रहा फ्रेंड्स हमारा यस नो क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। सो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।